हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 और 9 और उसके बाद आपका पोर्स को कंप्लीट। फाइन, चैप्टर 8 डील्स विद द प्रोसीजर एंड द पावर्स ऑफ द स्पेशल कोर्ट एंड द री रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंसेस। सेक्शन 33 बात करता है प्रोसीजर एंड द पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। अ स्पेशल कोर्ट में टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस विदाउट द अक्यूज बींग कमिटेड टू इट फॉर द ट्रायल। यानी कि यहाँ डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है। यहाँ पे कमिटल का प्रोसीजर नहीं है। हम सब जानते हैं कोर्ट ऑफ सेशन जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 193 सीआरपीसी, जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, उसे कमिट किया जाता है। बट यहाँ पे सेशन कोर्ट यानी कि स्पेशल कोर्ट जो है डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा अपॉन कंप्लेंट ऑफ द फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस और पुलिस रिपोर्ट। तो ये पूछ सकता है कि जो कोर्ट स्पेशल कोर्ट है वो कॉग्निजेंस कैसे ले सकता है, स्पेशल कोर्ट जो है कॉग्निजेंस कैसे लेगा। तो ही कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है। और वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। द स्पेशल कोर्ट द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एज द केस में बी द काउंसिल अपियरिंग फॉर द अक्यूज शैल वाइल रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड कम्युनिकेट द क्वेश्चंस टू बी पुट टू द चाइल्ड टू द स्पेशल कोर्ट विच शैल इन टर्न पुट दोज क्वेश्चंस टू द चाइल्ड। द स्पेशल कोर्ट में इफ इट कंसिडर नेसेसरी परमिट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। द स्पेशल कोर्ट शैल क्रिएट अ चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफियर बाय अलाउइंग अ फैमिली मेम्बर्स गार्डियन फ्रेंड रिलेटिव इन हुम द चाइल्ड हैज़ अ ट्रस्ट और अ कॉन्फिडेंस टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। The special court shall ensure that the child is not called repeatedly to testify in the court. The special court shall not, this is now important. Now the special court shall not permit aggressive questioning, okay, or the character assassination of the child, and ensure that the dignity of the child is maintained at all the time during the trial. So, जो चीज़ें दो चीज़ यहाँ पे prohibited है, एग्रेसिव क्वेश्चनिंग बच्चे से नहीं की जाएगी, कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं होगा उसका, और प्लस उसकी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है ऑल द टाइम ड्यूरिंग द चाइल्ड ट्रायल, ओके। द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज नॉट एनक्लोज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और द ट्रायल, ओके। प्रोवाइडेड दैट फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द स्पेशल कोर्ट मे परमिट एंड डिस्क्लोज सच डिस्क्लोजर इफ इन इट्स ओपिनियन सच डिस्क्लोजर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये MCQ फॉर्म में पूछ सकता है कि आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है। आइडेंटिटी शैल इंक्लूड हेयर आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड, फैमिली, उसकी फैमिली, उसका स्कूल, उसके रिलेटिव्स, नेबरहुड, ठीक है, और एनी अदर इंफॉर्मेशन बाय विच द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड में बी रिवील्ड। यहाँ पे कॉम्पनसेशन की बात की गई है कि पनिशमेंट के अलावा आप कॉम्पनसेशन भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वही सारी पावर स्पेशल कोर्ट को मिली है जो कोर्ट ऑफ सेशन को CRPC में मिली है ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है। नाउ प्रोसीजर इन केस ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब एक बच्चे ने ही यहाँ पे जो पॉस्को में ऑफेंस दिया वो किया है, तो उसकी एज कैसे डिसाइड की जाएगी, ठीक है। तो उस वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय चाइल्ड सच चाइल्ड शैल बी डेल्ट विद अंडर द प्रोविजन ऑफ द JJ एक्ट। वट इज़ द एज ऑफ जुवेनाइल, उसकी एज होती है 16 ईयर्स, अंडर 16 ईयर्स, ठीक है। दिस इज़ द जुवेनाइल की एज जो है वो 18 से 16 की गई थी आफ्टर दी 2003 क्रिमिनल अमेंडमेंट, ओके, ये याद रखिएगा कि 18 से 16 कर दी गई थी। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट वेदर अ पर्सन इज अ चाइल्ड और नॉट, सच क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय द स्पेशल कोर्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ अबाउट द एज ऑफ सच पर्सन एंड शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग, ओके। नो ऑर्डर मेड बाय स्पेशल कोर्ट शैल डीम टू बी इनवैलिड मेयरली बाय अ सब्सिक्वेंट प्रूफ ऑफ द एज ऑफ द पर्सन डिटरमाइंड, ओके। हो सकता है एक पॉइंट पे प्रूव हुआ हो कि उसकी एज 15 साल है, फिर बाद में कुछ और एविडेंसेज आके प्रूव हो गए कि नहीं ये 18+ है, तो इन दैट केस वहाँ पे जो ऑर्डर स्पेशल कोर्ट ने दिया है वो इनवैलिड नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रूफ। द पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड, दिस इज इम्पॉर्टेंट,
The evidence of the child shall be recorded within the period of 30 days of the special court taking the cognizance of the offence and okay. तो जिस दिन स्पेशल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है तो कॉग्निजेंस के विद इन 30 डेज जो है एविडेंस का रिकॉर्डिंग पूरा हो जाना चाहिए. अब ट्रायल कब तक कंप्लीट करेंगे? विद इन द पीरियड ऑफ वन ईयर, जिस दिन से कॉग्निजेंस लिया है उसके विद इन 30 डेज आपको पूरे एविडेंसेस रिकॉर्ड करने हैं और उसके विद इन वन ईयर ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है. चाइल्ड नॉट टू सी द अक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग. ओके. ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा. सेक्शन वाइज पूछ सकता है कि किस सेक्शन में दिया है. ओके. असिस्टेंस ऑफ द इंटरप्रेटर, ये सब है. नाउ चैप्टर 10-9 पे आ जाते हैं. दिस इज लास्ट एंड द फाइनल गाइडलाइन फॉर द चाइल्ड टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट. तो ये सब आपको एक बस नॉर्मल रीडिंग है. राइट ऑफ द चाइल्ड टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 301 CRPC. The family or the guardian of the child shall be entitled to the assistance of the legal counsel. ये section wise बिल्कुल पूछ सकता है. अगर वो afford नहीं कर सकते हैं तो legal service authority यहाँ पर उनको lawyer provide करेगी. Section 3 से लेके 13, ठीक है, 3 से लेके 13 तक कहाँ पर exempted हैं? Medical examination अगर हो रहा है बच्चे का या medical treatment हो रहा है तो वहाँ पर ये exempted हैं, provided that is done with the consent of the parent or the guardian. Now the alternative punishment. अब यह section important है. देखिए, अगर किसी बच्चे का rape हुआ है, ठीक है, IPC में जो rape की provision है that is not a general neutral, वो केवल women के against हो सकता है. तो मान लीजिए अगर किसी लड़की के साथ rape हुआ है, okay, and she is a minor, she is a child as per the POSCO. child की एज कितनी? अंडर 18 है. एंड अगर लड़की का रेप हुआ है तो वहाँ पे जो कल्पेबिलिटी है दैट विल ऑल्सो कम इन IPC. अब IPC में भी कल्पेबिलिटी आ रही है और यहाँ पे भी कल्पेबिलिटी आ रही है, तो पनिशमेंट कैसे देंगे यहाँ पे? ठीक है, कैसे पनिशमेंट देंगे? ये देखिए, एक बार इसको रीड कर लेते हैं. बेसिकली जिसकी पनिशमेंट ज़्यादा होती है वो मिलती है. चलिए. Where any act or omission constitute an offence punishable under this act and also under section 166A, 354A, B, C, D, 370, 370A, 75, 76, 76A, AB, B, C, D, DA, DB, 376E, 509 of the IPC or section 67B of the IT Act, then notwithstanding anything contained in the law for the time being enforced, the offender found guilty of such offence shall be liable to punishment only under this Act. वो केवल और केवल इसी Act में punishable होगा. बहुत ज़्यादा important है. और या तो इस Act में और under IPC as provided for the punishment which is greater in degree. IPC में तभी वो पनिशमेंट उसको मिलेगी जब वहाँ पे IPC की जो पनिशमेंट है दैट इज़ ग्रेटर. फाइन. नाउ 42A एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ. द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन टू एनी प्रोविजन ऑफ द अदर. ओके. पब्लिक अवेयरनेस फैलानी है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएंगे. नाउ द मॉनिटरिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट जो है तो ये किसकी ड्यूटी है? जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 और एज द केस में भी स्टेट कमीशन जो है शैल उनको जो फंक्शन उस एक्ट ने असाइन हुआ है उसके अलावा दे शुड ऑल्सो मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. ओके. द नेशनल कमीशन और द स्टेट कमीशन while inquiring into any matter relating to any office under this act have the same power. जो उनको उस एक्ट मिला है कमीशन ऑफ द फॉर द प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट. ओके. 45 पावर टू मेक रूल. सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है इसमें रूल्स बनाने की. नाउ पावर टू रिमूव द डिफिकल्टी इज ऑल्सो गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर POSCO एक्ट. एंड याद रखिएगा ये है आपका पनिशमेंट वाला. इसको एक बार मैं अब आप इसको देख सकते हैं. इसकी पनिशमेंट है ये. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी. इसको आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा पब्लिक चैनल पे. ओके. सो ये आपको सेंड कर दिया जाएगा. सबसे इम्पॉर्टेंट यही है. ओके. सो दिस इज़ हाउ. नाउ वी हैव फाइनली कंप्लीटेड दिस एक्ट. आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा.